हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं विनीता और ये है मेरा आर्ट चैनल वीटी आर्ट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ ग्लो पेंटिंग। हम ग्लो पेंटिंग कैसे करें फ्रेंड्स? ग्लो पेंटिंग एक बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है ड्राइंग का, बट ये बनने के बाद में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको बच्चे भी बहुत ईजिली बना सकते हैं और अपनी आर्ट को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ग्लो पेंटिंग बनाने के लिए हमको चाहिए पोस्टर कलर्स या वाटर कलर्स, एक वाइट शीट, कलरफुल भी हो सकती है, लाइट शेड की भी हो सकती है, ये मैंने आइवरी शीट ली हुई है। और हमें कुछ नहीं करना है, हम कुछ कलर्स लेंगे और उन कलर्स को हम यहाँ पे स्प्रेड करेंगे। तो मैंने ग्रीन कलर लिया है फ्रेंड्स, देखिए ग्रीन कलर लिया है और हल्का सा मैं इसमें ब्लैक का टच भी डाल रही हूँ। तो ये देखिए, हम इसको ऐसे ऐसे स्प्रेड करेंगे कलर को ब्रश की हेल्प से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कलर इसमें आ गया है। अब मैं इसको स्ट्रॉ की हेल्प से ब्लो करूँगी। ये देखिए, और इसके बाद में मुझे और कलर की रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है तो मैं इसमें और कलर स्प्रेड करूँगी। ये देखिए, ऐसे हम इसमें कलर डालते जाएंगे जितना हमें रिक्वायर चाहिए। थोड़ा सा कलर्स जो है ज़्यादा थिक ना हो, जिससे कि वो ब्लो करते समय इजीली अपवर्ड्स जाएगा। तो चलिए, कुछ कलर और आ गया है, हम उसको फिर से ब्लो करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ब्लो करने के बाद में कुछ ऐसा इसमें टेक्सचर आ गया है। अब हम इसमें कुछ फ्लावर्स बनाएंगे, तो उसके लिए हमको दूसरे कलर्स की ज़रूरत होगी, जैसे रेड, ब्लू, येलो, जिस भी कलर का हम फ्लावर बनाना चाहते हैं हम उसका यूज़ अब इसमें करेंगे। फ्रेंड्स, ये बनने के बाद में बहुत ब्यूटीफुल लगता है और इसको आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हो, ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए, अपना फाइल कवर बनाने के लिए, अपना डायरी कवर बनाने के लिए या फिर बुक मार्क्स बनाने के लिए हम इनका, इस टाइप की पेंटिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अमेजिंग लगता है। अब मैंने यहाँ पे देखिए ये दूसरे कलर्स ले लिए हैं फ्लावर बनाने के लिए और अभी आप इसको देखेंगे ये रेडी होके कैसे लग रहे हैं। तो पहले तो मैंने इसमें ब्लू कलर लिया, अब मैं इसमें रेड कलर ले रही हूँ और मैं रेड कलर से इसको बनाऊंगी। अब ये देखिए, थोड़ा क्लोज ले लेते हैं। ये देखिए, हम चाहें तो इसमें डबल शेडेड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेड के साथ में वाइट तो पिंक कलर आ जाएगा और हम इसमें इस टाइप के फ्लावर्स हम शो करेंगे या येलो रेड ले सकते हैं। बनने के बाद में बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये। ये देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है। ये देखिए, इसको ममाज अपने बच्चों के साथ बैठ के बना सकती हैं और पेंटिंग्स को एंजॉय कर सकती हैं। बच्चे भी इसको एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे तो बहुत एंजॉय करते हैं। तो आप भी इस टाइप की पेंटिंग्स जो हैं वो बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं, उन्हें लगता है कि हम भी उसको कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनको इजी लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ब्यूटीफुल अमेजिंग सा एक पिक्चर तैयार हो गया है। हम इसको फ्रेम भी कर सकते हैं अपनी घर की पेंटिंग बनाने के लिए, पेंटिंग्स भी हम इससे बना सकते हैं।
वॉश कर लिया, ब्रश को जब भी नया कलर ले तो प्लीज़ ब्रश को वॉश कर लें आप, जिससे कि जो अगला फ्लावर बने वो उसी कलर का बने जिसका आप बनाना चाहते हैं, उसमें कोई दूसरा कलर ऐड नहीं होगा उसमें। ये देखिए कितना ब्यूटीफुली ये रेडी हो गया, नीचे भी हम बना सकते हैं ये छोटे छोटे फ्लावर्स, जहाँ छोटा छोटा ग्रास है वहाँ भी हम इफेक्ट दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ भी हम बना लेते हैं, फ्री हैंड इसको करना है। ये देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है ना ब्यूटीफुल पिक्चर। तो चलिए फिर देर किस बात की, आप भी उठाइए अपना ब्रश शीट और ये पिक्चर रेडी कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपका एक्सपीरियंस इसको बनाने में कैसा रहा। तो फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।